सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जो बिहार शिक्षक भर्ती है, अब चूंकि आप लोगों को ये बात आज क्लियर हो गई कि अब बीएड को बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, आज ये पूरा क्लियर हो गया। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या कट ऑफ जाने वाली है, तो अब चूंकि केवल बीटीसी के अभ्यर्थी या डीएलएड के अभ्यर्थी रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी और जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। तो किस तरीके से यहाँ पर कितनी कितनी संख्या में अभ्यर्थी थे और किस तरीके से कितनी कट ऑफ कम जा सकती है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कितना अगर आपका नंबर है तो ये श्योर है कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर ये जो बात की गई है शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी, तो दोस्तों ये जो बात की गई है यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे कट ऑफ को कर सकता है। और ये जो कट ऑफ यहाँ पर बात की गई है, ये केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये केवल और केवल जो 9th, 10th, 11th, 12th है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए किया गया है, यहाँ पर ये प्राइमरी के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। और यहाँ पर आप देखिए, जो अभी अर्हता अंक है इसमें आप देखिए, जो सामान्य श्रेणी है उसके लिए 40% और ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और एससी एसटी के लिए 32% और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32%, ठीक है, न्यूनतम अर्हता अंक तय है। और गुरुवार को ही परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे उसके हिसाब से सीटें खाली रहने की जो बातें सामने आ रही थी, अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी। बीपीएससी की ओर से चल रही भर्ती में प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों के 79,943 पद हैं, वही माध्यमिक में 32,916 पद हैं, जिनकी बात मैं कर रही हूँ, जिनमें जो कट ऑफ है वो कम हो सकता है, ये माध्यमिक की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। और उच्च माध्यमिक की भी यहाँ पर बात होगी, 57,602 पद इसमें भी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों कि जो अभ्यर्थी हैं वो कितनी सीट के सापेक्ष, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हैं। तो एक सीट पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक सीट पर 6.55 यानी कि 6.5, यहाँ पर अगर हम मान लें करीब करीब, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब चूंकि 6.5 के आसपास यहाँ पर जा रहा है एक सीट के सापेक्ष, तो यहाँ पर अब चूंकि बीएड को बाहर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो ये संख्या अपने आप आधी हो जाती है। अगर ये मान लीजिए 3.5 पर भी जाती है, ठीक है, मान लीजिए 3.55 भी है, तो ये जो 0.55 है इसमें ये जो है, ये आप इस पर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि सीटेट के अपेयरिंग के भी बहुत सारे जो प्रशिक्षु थे उन्होंने भर दिया था, या बीएड के अभ्यर्थी थे उन्होंने भर दिया था, बीटीसी के अभ्यर्थी थे जो अपने स्टेट का जो सीटेट क्वालिफाई नहीं थे और उन्होंने सीटेट अपेयरिंग दिया था और उसके बेस पर उन्होंने भर दिया, और ये बिल्कुल फिक्स नहीं कि वो पास ही हो जाएंगे सीटेट। तो इस आधार पर इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे, इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो बीएड सेकेंड ईयर में रहे हो, जिनका पेपर ना रहा आया रहा हो या रिजल्ट ना आया रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म फिल किया होगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी आप बाहर कर सकते हो, क्योंकि अब चूंकि अगर रिजल्ट नहीं आया टाइम से और उन्होंने वो फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने पेपर भी दे दिया, तो फिर वो भी तो बाहर हो गए, और अगर उन्होंने खाली फॉर्म फिल किया होगा तो वैसे ही वो बाहर थे। और आपको पता ही है कि 70% कैंडिडेट्स ने ही केवल परीक्षा दी है, ये भी आप लोगों को पता है, और 30% ने पूरी पूरी छोड़ दी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सीटेट वालों को, जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं, बहुत सारे उसमें से फेल हो जाएंगे या फिर वो बाहर हो जाएंगे, इसके अलावा बीएड या बीटीसी जिनका पेपर नहीं हो पाया टाइम से, वो भी बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, और इनमें से भी जो केवल बीटीसी के कैंडिडेट हैं, इनमें से भी बहुत सारे ऐसे होंगे दोस्तों कि जिन्होंने पेपर की सही से तैयारी नहीं की होगी, ये भी चीज तो आप लोग मानते हो। इसमें से भी अगर हम आधा केवल अब तीन ले लें, अगर हम केवल एक सीट पे तीन कैंडिडेट है, तो इसमें से भी चूंकि अगर केवल बीटीसी की ही हम बात करें, तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे
या कहीं अदर नौकरी करते होंगे, या महिलाओं की भी बात अगर हम कर लें जिन्होंने बीटीसी किया होगा, फॉर्म फिल किया होगा और ये नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट इसमें होंगे। अगर इसमें 10.55 की ही बात हम कर लें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई होगी। और आप सभी लोग इससे मेरी बात से सहमत होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे थे, और चूंकि पेपर टफ आया था ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आपने पेपर दिया तो आपको पता ही होगा। तो कहीं ना कहीं एक सीट पर 3 अभ्यर्थी तभी भी हमें दिख रहे हैं। तो अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, क्योंकि हर एक वर्ग के लिए, प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, सभी के लिए बीपीएससी ने जो अर्हता अंक है वो निर्धारित किया है, तो इस तरीके से यहाँ पर अब आप लोग ये मान के चलिए जिनका भी पेपर अच्छा हुआ है और जो क्वालिफाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी एक सीट पक्की कर चुके हैं और शिक्षक बनने का जो सपना है वो जल्दी ही आपको आपका पूरा होने वाला है, क्योंकि 20 से 25 सितंबर के बीच जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर प्राइमरी में तो अब करीब करीब एक सीट पर 3 अभ्यर्थी दिख रहे हैं, अगर हम अच्छे से भी अनुमान लगाए तो भी उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे और उससे कम ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं मेरे जो उन्होंने बहुत मेहनत की है इस परीक्षा के लिए। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट भी आप लोगों को 20 से 25 सितंबर के बीच मिल जाए। और माध्यमिक में 1.8 लोग हैं एक सीट के सापेक्ष, तो और माध्यमिक में 0.64, यानी कि अगर माध्यमिक में अच्छे से किसी ने भी तैयारी की है तो वो निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि एक सीट से भी कम दावेदार यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा अच्छे से तैयारी की होगी तो निश्चित रूप से उनका हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सारी चीजें देख ली है, तो आप लोगों को ये तो श्योरिटी हो गई होगी अगर आपका पेपर अच्छे से हुआ है और सारी चीजें आपने अच्छे से की है तो निश्चित रूप से आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें शिक्षक बनना बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिएगा, और जहां कहीं कोई भी डाउट आ रहा है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के आप जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो पूरा अनुमान था ये बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था। तो अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो बस आप 20 से 25 सितंबर का वेट करिए दोस्तों। तो मुश्किल से 20-22 दिन और है जो आपको केवल वेट करना है, और बाकी भर्तियां तो आती ही रहेंगी, तैयारी तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपका हो जाता है बिहार शिक्षक भर्ती में तो कहीं ना कहीं आप अपने सपने को पूरा कर लेंगे और फिर उसके आगे और अच्छी तैयारी करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो जानकारी थी वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहा करिए, आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे, और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जितना आप शेयर करोगे उतने अधिक से अधिक हमारे भाई बहनों तक वीडियो पहुंचेगी और सभी को जान करके अच्छा लगेगा कि जो चांसेस हैं आपके सेलेक्ट होने के वो बढ़ गए हैं, चूंकि अब बीएड अभ्यर्थियों को साफ साफ बाहर कर दिया गया है इस भर्ती प्रक्रिया से। तो थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए वीडियो को, चैनल से बने रहिए। जय दोस्तों।